तो गाइस आज बनाएंगे हम 50 से 55,000 रुपए में एक RTX सीरीज वाला गेमिंग पीसी। एंड इतना ही नहीं, ये वाला पीसी आपको गेमिंग के साथ साथ भाई 4K लेवल पे वीडियो एडिटिंग भी करा के दे सकता है। एंड दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है ही, साथ ही साथ में एयर फ्लो भी टॉप क्लास का यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड इस वाले पीसी को हम बना रहे शुभ जॉय भाई के लिए, जो कि रहने वाले हैं बेंगलुरु से। तो ये वाला जो पीसी है जाएगा बेंगलुरु। अब अगर आपको भी बनाना था कुछ इसी तरह का गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी, तो ये रहा हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर जो कि है 9898684750। यहाँ पे बातचीत करके कोटेशन लेके यहीं पे अपना पीसी ऑर्डर कर दो, हम पैन इंडिया शिपिंग करते हैं। बाकी अगर आप सूरत गुजरात से हो तो हमारे ऑफलाइन स्टोर पर विजिट करके भी अपना पीसी बना सकते हो। हमारे ऑफलाइन स्टोर की गूगल मैप वाली लोकेशन आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अरे यार, अभी तक आप लोग विंडोज का अनएक्टिवेटेड वर्जन यूज कर रहे हो, मतलब भाई 400-500 रुपए के लिए क्यों रिस्क लेना यार। आप लोगों को वीआईपी कीज पे 400-500 रुपए में विंडोज की रिटेल एंड ओएम कीज मिल जाती है, तो 500 रुपए में आपका जो पीसी वो एकदम सिक्योर एंड सेफ हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC350, तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फटाफट से जाओ यार डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से, फटाफट से रिटेल या ओएम की बाई कर लो। इनकी वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी है। अब प्रोसेसर के लिए गाइस इस बार हम जाने वाले हैं ब्लू टीम के साथ। ये हमारा इंटेल का i5 12400 CPU, 6 कोर्स, 12 थ्रेड्स एंड प्राइस कट भी मिला है इसके साथ। ये आप लोगों को यार मिल जाएगा 9,000-9,500 में, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर बना देता है इसको, बिकॉज अंदर आपको स्टॉक कूलर भी फ्री में देखने मिल जाता है बॉक्स में, तो आपको आफ्टर मार्केट एयर या लिक्विड कूलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बजट में आपका काम चल जाएगा। तो ये वाला हम CPU लगाएंगे एंड इसके साथ हमने ग्राफिक कार्ड पेयर किया है। ये हमारा NVIDIA की तरफ से आने वाला उनका RTX 3050 8GB वाला वेरियंट, एंड ये Ventus 2X OC एडिशन है। MSI के साथ यहाँ पे हम जा रहे हैं, ब्लैक कलर की थीम के साथ काफी ज्यादा सेक्सी लगता है। पीछे आपको बैक प्लेट देखने मिल जाता है, दो फैन मिल जाता है, चार डिस्प्ले आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यार गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी करनी थी, तो ये वाला ग्राफिक कार्ड है जो कि आपको बजट में मिल जाएगा। बाकी 3060 एंड 4060 तो यार थोड़े से महंगे हो गए, तो अगर आपका बजट कम था तो आप इसके साथ जा सकते हो। बाकी अगर आपको AMD में लेना था खाली गेमिंग करनी थी, तो इसकी जगह आप RX 6600 भी ले सकते हो, जो कि आपको अराउंड इसी प्राइस के आसपास देखने मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको हम साइड पर रखते हैं। एंड इसके बाद गाइस मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे हम ये वाला मदरबोर्ड लगा रहे हैं। ये हमारा MSI का H610 MSDDR4 वाला मदरबोर्ड, बेसिक सा चिपसेट है यार। बजट में अगर आपको 12 जनरेशन चलाना था तो इसको आप ले सकते हो, मतलब i3 i5 जैसे प्रोसेसर के लिए। बाकी दो रैम स्लॉट NVMe का स्लॉट यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, एंड ठीक ठाक से VRM सेक्शन के साथ ये आप लोगों को मिल जाएगा 6,000-6,500 रुपीज में। नाउ रैम के लिए गाइस यहाँ पे हम ये वाली रैम लगा रहे हैं। ये हमारी XPG की D45 ब्लैक कलर की थीम के साथ 16GB की सिंगल स्टिक लगा रहे हैं। 3200 MHz वाली रैम है DDR4 वाली, ये आप लोगों को यार अंडर 4,000 रुपीज में देखने मिल जाएगी। एंड सिंगल स्टिक के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मदरबोर्ड में भाई दो ही रैम स्लॉट है, ताकि फ्यूचर में अपग्रेड आसानी से हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 1TB की NVMe लगाई है, जो कि है किंगस्टन की NV2 Gen 4 वाली NVMe है। कमाल की रीड एंड राइट ऑफर करवा देती है, एंड ये आप लोगों को यार अंडर 6,000 रुपीज में देखने मिल जाएगी। फिलहाल के लिए कोई सेकेंडरी हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बिकॉज 50 से 55,000 रुपए में यार इसको कंप्लीट करना था एंड गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी करनी थी इस बजट में। दैट्स व्हाई यहां पे हमने ये सारे पार्ट्स इस्तेमाल किए हैं। आफ्टर दैट इस बिल्ड के फैन वैन को ऑन करने के लिए यहाँ पे हमने ये वाला पावर सप्लाई लगाया है। ये हमारा CG रॉ पावर 500 वोल्ट का PSU, जो कि सर्कल की तरफ से आता है। ये आप लोगों को यार काफी कम प्राइसेस में देखने मिल जाता है। 80+ वाइल्ड सर्टिफिकेशन के साथ ये आप लोगों को यार मिल जाएगा अराउंड 3,000-3,500 के आसपास ही, कभी कभी सेल में इससे भी सस्ता मिल जाता है। बाकी इस वाले बिल्ड के लिए इनफ है, अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो 550 या फिर 650 वोल्ट के साथ भी आप जा सकते हो। अब लास्ट में केस यहाँ पे हमने ये वाला लगाया है। ये हमारा सर्कल का एलिगेंटर X1 ARGB कैबिनेट, 4 ARGB पंखों के साथ, फ्रंट में मेस पैनल, साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, ऊपर मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर, रियर में भी आपको एक फैन देखने मिल जाता है। कमाल का एयर फ्लो आपको ऑफर करवा देगा यार अंडर 3,500 रुपीज में। तो अगर आप एक बजट बिल बना रहे थे जिसके अंदर आपको एयर फ्लो भी चाहिए था डिसेंट सा, तो ये वाला केस आप ले सकते हो। तो गाइस इन्हीं पार्ट्स के साथ ये वाला पीसी बिल्ड हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आप हमारे यहाँ कोई भी पीसी बनवाते हो तो हम वीडियो के अंदर ही यार पीसी को बिल्ड करते हैं प्रॉपरली, ताकि जो ट्रस्ट है वो बना रहे एंड आपको ऐसा ना लगे कि यार आप कहीं दूर से पीसी बनवा रहे हो। बाकी हम पैन इंडिया शिपिंग करते हैं, आपके डोरस्टेप तक यार हम पीसी डिलीवर करवा देंगे। तो फटाफट से जाओ यार ऑर्डर कर लो। हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, जो कि है 9898684750।
एंड सूरत गुजरात में रहते हैं तो ऑफलाइन स्टोर से विजिट करके भी पीसी ले लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से एरिस वाले पीसी को बना लेते हैं एंड सारी चीजों को हमने ऑलमोस्ट अनबॉक्स करके टेबल पे रख दिया है। अब सबसे पहले अपने प्रोसेसर को बॉक्स के बाहर निकालेंगे एंड इसको लगा लेंगे सीपीयू वाले सॉकेट में 12400F। इसके साथ आपको फ्री में स्टॉक कूलर मिल जाता है। अब यहाँ पे मदरबोर्ड को भी हमने यार निकाल के बॉक्स के ऊपर रख दिया है। सीपीयू सॉकेट को ओपन कर लेते हैं, ब्लैक वाली प्लास्टिक निकाल लेंगे एंड उसके बाद आराम से हौले से अपने प्रोसेसर को लगा लेंगे। तो अब ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप पहली बार बिल्ड कर रहे हो तो भाई थोड़ा ध्यान से करना, पिंस बैंड नहीं हो नहीं तो यार वारंटी भी कवर नहीं होगा। अब प्रोसेसर लगाने के बाद बारी आती है स्टॉक कूलर की, जो कि हमको बॉक्स में फ्री में मिल जाता है। तो फटाफट से इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं एंड इसको भी हम अपने मदरबोर्ड में लगा लेंगे, यानी प्रोसेसर के ऊपर लगा देते हैं हम। पेस्ट प्री अप्लाइड आता है तो हमने पेस्ट इसीलिए नहीं लगाया। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई आपको पेस्ट लगाते ही नहीं है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिना पेस्ट के हमारा जो सीपीयू कूल रन करेगा ही नहीं, इसके लिए पेस्ट हमने नहीं लगाया क्योंकि प्री अप्लाइड आता है। अब उसके बाद अपनी रैम को लगा लेंगे रैम वाले स्लॉट में, जो कि हमने ऑलरेडी अनबॉक्स करके रखी है। अब दोनों साइड से इसको कट करके हम दबा देंगे, एक सेटिस्फाइंग सा आवाज आएगा जिसके बाद हमको पता चल जाता है कि हमने रैम प्रॉपरली लगा दी है। एंड उसके बाद यहाँ पर रैम लगाने के बाद अपनी NVMe लगा लेते हैं NVMe वाले स्लॉट में। एंड जो स्क्रू है वो आपको बॉक्स में देखने मिल जाता है, तो स्क्रू निकाल के आप सीधा NVMe को NVMe वाले स्लॉट में निकाल के स्क्रू मार दो, दैट्स इट। यहाँ पे जो हमारा मदरबोर्ड वाला कामकाज था वो काफी आसानी से हो गया एंड क्लीन सा लग रहा है। अब इस मदरबोर्ड को हम फटाफट से अपने कैबिनेट के अंदर डालेंगे, तो वो वाला पार्ट भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा केस जिसको हम फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं एंड अनबॉक्स करते ही इसका जो साइड वाला पैनल है एंड ग्लास वाला पैनल है उसको हम निकाल के यार बॉक्स के अंदर रख देंगे ताकि डैमेज वेमेज ना हो। अब एक क्विक ओवरव्यू आप लोग ले लो, ऊपर की तरफ आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिलता है, साइड में टेम्पर ग्लास मिलता है एंड फ्रंट में मेश मिलता है। तो देखा था कि काफी हो गई, फटाफट से अपनी आयो शील्ड को भी लगा लेते हैं। आयो शील्ड अब तो आपको बॉक्स में मिल जाएगी मदरबोर्ड के साथ फ्री में, फटाफट से इसको निकाल के हम पीछे लगा लेंगे एंड उसके बाद अपने मदरबोर्ड को भी इसको लगा लेते हैं एंड दो चार स्क्रू मार के फटाफट से इसको फिक्स कर देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे कैबिनेट वाले जो केबल है उनको भी फटाफट से मदरबोर्ड में लगा लेंगे एंड उसके बाद अपने पावर सप्लाई को लगा लेंगे, जो कि 450 वोल्ट का है PSU, ये जाएगा सीधा PSU सराउंड में एंड इसके सारे केबल्स को फटाफट से मदरबोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं एंड ग्राफिक कार्ड वाला केबल बाहर निकाल के रखते हैं, PCI केबल, ताकि यार पीछे का पैनल ना खोलना पड़े। लास्ट में आ जाता है वो मूवमेंट के लिए हम सभी वेट कर रहे थे, ग्राफिक कार्ड की। अब ग्राफिक कार्ड लगाने में काफी अच्छा लगता है यार, स्पेशली अच्छे वाले कार्ड्स, तो फटाफट से अपने ग्राफिक कार्ड को यार लगा लेते हैं PCI स्लॉट में, जो कि हमारा RTX 3050 एंड इसको लगाने के बाद इसको PCI केबल से पावर दे देते हैं। लास्ट में पीछे का पैनल बंद करने से पहले जिप टाइज की मदद से अच्छा सा केबल मैनेजमेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट यहां पे पीछे का पैनल बंद करके टर्न ऑन कर लेते हैं इस वाले पीसी को। तो फाइनली पीसी हमारा ऑन हो गया है एंड दीदार भी हमने कर लिया है। अब आप लोगों को कैसा लगा दीदार करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी अगर ऐसा PC मंगवाइएगा तो हमारे यहां कांटेक्ट कर लीजिएगा, कांटेक्ट नंबर आपको यहां पे स्क्रीन पे मिल जाएगा, जो कि है 9898684750 एंड इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि इस तरह की वीडियोस आती रहती है, बाकी घंटे को भी दबा देना। तो बस मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।